Next question. The ionization constant of dimethylamine is 5.4 into 10 to the power minus 4. Calculate the degree of ionization in its 0.02 m solution. What percentage of dimethylamine is ionized if the solution is also in 0.1 m NaOH? तो यहाँ हमें बोल दिया गया कि जो डाइमिथाइलमाइड है उसका हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट और दे दिया गया है, दैट इज के बी दे दिया गया है, वो है 5.4 × 10⁻⁴. फिर हमें बोला गया है कि हमें इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालनी है इन इट 0.02 m सॉल्यूशन. तो हम अल्फ़ा निकाल लेंगे. अल्फ़ा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट ओवर के बी बाई सी, और उसके लिए हमने वैल्यूज पुट करके हमने अल्फ़ा निकाल ली, जिसकी वैल्यू निकलती है 0.1643. फिर हमें बोली गई है कि कितना परसेंट, व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ डाइमिथाइलमाइन इज आयनाइज्ड इफ द सॉल्यूशन इज आल्सो इन 0.1 m NaOH. तो अभी उसमें देखना है क्या होने वाला है. तो नाउ इफ 0.1 m ऑफ NaOH इज एडेड टू द सॉल्यूशन, देन NaOH दैट इज बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बेस अंडरगोस कंप्लीट आयनाइजेशन. NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो तो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा, बिल्कुल सोडियम प्लस NaOH माइनस में उन दोनों ही आयन्स की कंसेंट्रेशन वही होगी 0.1 and 0.1. तो जो हम अब पकड़ लेंगे कि जो जितना मतलब आप डाइमिथाइलमाइन है उसका हम पकड़ लेंगे डिसोसिएशन एक्स अमाउंट हुआ है, इसलिए उसका हम पकड़ लेंगे कि एक्स अमाउंट डिसोशिएट हुआ है, इसलिए जो CH3 2 NaH2 plus वो हम पकड़ लेंगे कि उसकी NaH2 plus उसकी कंसनट्रेशन हम पकड़ लेंगे कि X है. फिर OH की कंसनट्रेशन जो है वो हम पकड़ लेंगे कि वो 0.1 plus X है, क्योंकि 0.1 तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही आ रहा है, तो प्लस X पकड़ लेंगे. और फिर वो तो आपको बताइए कि जो अभी KB निकालना है तो हमें नीचे का जो, वो तो आपको बताइए कि जो X होगा वो तो बहुत कम होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जो डाइमिथाइलमाइन है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वो इतना डिसोशिएट नहीं होता है, ऊपर से आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल दिया जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा, जिस वजह से जो हाइड्रोक्साइड आयन है उनकी कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, और फिर से जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन के बजाय बैकवर्ड डायरेक्शन फेवरेबल हो जाएगी, और इस वजह से जो क्या है डाइमिथाइल अमाइन की डिसोसिएशन ज़्यादा नहीं होगी, जिस वजह से मतलब आप कह सकते हैं कि उनका डिसोसिएशन ही ज़्यादा नहीं होगा, तो जो एक्स की वैल्यू है वो काफ़ी छोटी होगी, इसलिए जो हम डिसोसिएशन के बाद 0.02 माइनस एक्स हो जाती है उसकी कंसनट्रेशन, तो उसे हम 0.02 ही पकड़ लेंगे, क्योंकि वो बहुत कम होगी, और जो 0.1 प्लस एक्स हमने कंसनट्रेशन निकाली हुई थी OH माइनस की, वो भी हम 0.1 ही पकड़ लेंगे, क्योंकि डिसोसिएशन काफ़ी कम होने वाला है. तो उसके बाद हम के बी निकाल लेंगे, इसलिए हम सिर्फ एक्स इंटू 0.1 / 0.02 ही कर रहे हैं, उससे हम के बी निकाल लेंगे, और के बी की वैल्यू आती है आपकी, सॉरी हम के बी की वैल्यू पुट कर लेंगे और फिर आपका एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू आती है 0.0054. तो यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू निकल गई. यहाँ पे पूछा गया था परसेंटेज पूछा गया था डाइमिथाइलमाइन आयोनाइज्ड, तो परसेंटेज निकालने के लिए जो एक्स है उतना ही अमाउंट मतलब आयोनाइज हुआ है, तो उतना अमाउंट आयोनाइज हुआ है, तो आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर वो निकल जाएगा आपका 0.54% ऑफ आयोनाइजेशन, तो उतनी ही आयोनाइजेशन हुई है.